नमस्ते, मैं सुष्मिता और आप देख रहे हैं सुष्मिताज हॉबी जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बैगन की सीडलिंग को रिपोर्ट करने का सही तरीका क्या है। बैगन की सीडलिंग को रिपोर्ट करने के लिए मैं ले रही हूँ 50% गार्डन सॉइल, 30% कोको पीट, 20% वर्मी कंपोस्ट, 1 चम्मच साफ फंगीसाइड, 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट, थोड़ा सा पोटाश, थोड़ा सा यूरिया, 1 चम्मच सीविट ग्रैनुल्स, 1 मुट्ठी नीम खली, थोड़ा सा DAP, अगर आपके पास सरसों खली है तो 1 मुट्ठी सरसों खली, और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद देखिए मैं इस बकेट में बैगन की सीडलिंग को लगाने वाली हूँ। मैंने इसमें अच्छे से ड्रेनेज होल कर लिया है। ड्रेनेज होल करने के बाद इसमें कंकर पत्थर रख लेने हैं। कंकर पत्थर रखने के बाद आपको कुछ इस तरह से सूखे हुए पत्ते, केले के छिलके, आलू के छिलके, जिस भी प्रकार का छिलका आपके पास है उसको सुखा लेना है। सुखाने के बाद इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद इसमें मिट्टी भर देना है। तो हमें छिलके क्यों देने हैं? छिलके इसलिए देने हैं क्योंकि आगे चल के ये कॉम्पोस्ट का काम करेगा और हमारे प्लांट को मिलेगा। छिलके में हम कोई भी छिलका दे सकते हैं, आलू का छिलका, सब्जी का छिलका, कोई भी सब्जी का छिलका आप इसमें दे सकते हैं, लेकिन वो सूखा होना चाहिए। देखिए सेम मेथड से हमने सारे बाल्टियों को भर लिया है और अब हम इसमें सीडलिंग्स को लगाएंगे। तो ये देखिए, ये है हमारे सीडलिंग। इसको देखिए ग्लास से बाहर निकाल लेना है, आराम से बाहर निकालना है, रूट्स को डिस्टर्ब नहीं करना है। देखिए एकदम आराम से हमने निकाल लिया है। उसके बाद अब हम इसको लगा देंगे। ये जो सीडलिंग्स है मैंने इसको ऑर्गेनिक बाजार से ऑर्डर किया था। इसको मैंने सीड्स से उगाया है, तो इसके सीड्स को मैंने ऑर्गेनिक बाजार से ऑर्डर किया था। तो इसके सीड्स मुझे कैसे रिसीव हुए थे, इनकी पैकेजिंग कैसी थी, इनकी क्वांटिटी कैसी थी, क्वालिटी कैसी थी, इसका फुल डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को देखिए ऐसे निकाल लेना है ग्लास से बाहर, रूट को बिना डिस्टर्ब किए हुए आराम से उसको अंदर डालना है और अच्छे से दबा के लगा देना है। अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट है तो आप नीचे में एप्सम सॉल्ट भी दे सकते हैं। अब ये सेम मेथड से देखिए जैसे मैं करती जा रही हूँ वैसे ही आपको भी करना है। ऐसे करके मैं करती जाऊँगी। मेरे पास बैगन के बहुत सारे सीडलिंग्स हैं और मैं टोटल 7 बाल्टी में लगा रही हूँ। रिपोर्ट करते समय देखिए हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमारे प्लांट के जो नीचे का पत्ता है उसको हमें उसको साफ कर देना है। नीचे का जो प्लांट का जो स्टेम्प है वो एकदम क्लीन होना चाहिए। देखिए मैं सब में इसके पत्ते तोड़ दे रही हूँ नीचे वाला, तो ऐसे क्या होगा, इसमें फंगस नहीं लगेगा, हमारा प्लांट का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। सारे सीडलिंग्स को रिपोर्ट करने के बाद हमें उसमें अच्छे से पानी दे देना है, और दोबारा पानी तभी देना है जब हमें उसकी सॉइल सूखी हुई लगेगी। बहुत लोग क्या करते हैं, उनकी सॉइल सूखी हुई नहीं रहती है लेकिन फिर भी पानी पे पानी देते ही रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, हमारे प्लांट का जो जड़ है वो धीरे धीरे गलने लगता है और एक दिन प्लांट मर जाता है। तो इसलिए दोबारा पानी तभी दे जब आपको मिट्टी सूखी हुई लगे, उससे पहले आपको पानी नहीं देना है। तो अब बात करते हैं कि रिपोर्ट करने के बाद हमें अपने प्लांट को रखना कहाँ है। 7 दिन के लिए हमें अपने प्लांट को वहाँ रखना है जहाँ पर सुबह का 2 से 3 घंटे का धूप हमारे प्लांट को मिले। सिर्फ 7 दिन के लिए क्यों? क्योंकि 7 दिन के अंदर हमारा प्लांट, हमने तो बाल्टी में लगाया है, अगर आपने ग्रो बैग में लगाया है, जहाँ जिसमें भी लगाया है, वो 7 दिन के अंदर उसमें सेट हो जाएगा। तो सेट होने के बाद हम उसको फुल सनलाइट पर निकाल देंगे। और अगर आपको मेरा गला का आवाज़ थोड़ा अजीब लग रहा है तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, मेरा गला बैठ गया है। मैं उसको उठाने का बहुत कोशिश करी, वो उठ नहीं रहा है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, डोंट माइंड। तो ये था मेरा आज का वीडियो। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।